कैप्टन वरुण सिंह, इस वक्त की बड़ी खबर नहीं रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, आपको याद दिला दें कुल्लूर जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जो घायल थे आपको बता दें ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे हमारे बीच, इनका इलाज चल रहा था आपको बता दें, और 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इकलौते थे जिनका इलाज चल रहा था और अब वो भी शहीद हो गए, नहीं रहे हमारे बीच ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। हालांकि उनका इलाज बेहतर तरीके से हो रहा था, लेकिन अचानक से ये खबर आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि अब ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। आपको याद दिला दें तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, आपको याद होगा उसमें CDS जनरल बिपिन रावत सवार थे और कई सारे लोग सवार थे, जिसमें ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी उसी में सवार थे, लेकिन अब उनका इलाज चल रहा था, अचानक से आज अभी खबर आ रही है, बताया जा रहा है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। बेहद ही दुखद खबर ये देश के लिए, जांबाज अफसर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें उस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे और उसी में से एक थे वरुण सिंह और घायल हो गए थे ये भी, और आपको बता दें इनका इलाज भी किया जा रहा था, लेकिन अब खबर आ रही है, दुखद खबर ये है कि हमारे बीच ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। देश के लिए एक बड़ी क्षति, और उम्मीद की जा रही थी कि वो साकुशल हमारे बीच होंगे, लेकिन बेहद ही दुखद खबर कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए वरुण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर हादसा हुआ था जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। आपको याद दिलाने बेंगलुरु में इनका इलाज चल रहा था, पहले तमिलनाडु के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन वहां से शिफ्ट किया गया था बेंगलुरु में बेहतर इलाज के लिए, लेकिन होने को कौन टाल सकता है हमारे बीच ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। देश को एक और सदमा, और इससे पहले हमने अपने पहले CDS जांबाज अफसर जनरल बिपिन रावत को खोया था, पूरा देश गमगीन था। इस बीच एक और दुख भरी खबर जहां पर कहा जा रहा है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। लगातार पूरे देश से इनके लिए दुआएं की जा रही थी, करोड़ों हाथ प्रार्थनाओं के लिए उठे थे, लेकिन ये दुखद खबर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी हमारे बीच अब नहीं रहे। आपको याद दिला दें उस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे और 13 लोग शहीद हुए थे, लेकिन खबर आ रही है कि ग्रुप कैप्टन भी अब हमारे बीच नहीं रहे। बेहतर इलाज के लिए उन्हें बेंगलुरु शिफ्ट किया गया था, बेंगलुरु में उनका इलाज चल रहा था, आपको याद दिला दें इसी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन उम्मीद थी कि वो हमारे बीच साकुशल आएंगे। तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हमारे बीच नहीं।